ना तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत विभाग हाय 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 विद्युत विभाग हाय 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 विभ्रम सिंह हो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विभ्रम सिंह हो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विभ्रम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज सागर जिले के राहतगढ़ में वसीम खान जिला महामंत्री युवा कांग्रेस के नेतृत्व में एवं विवेक वर्मा नगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस राहतगढ़ की अध्यक्षता में आम जनता के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उपचुनाव में कोरोना काल के माफ किए गए बिजली बिलों की वसूली के दिए जा रहे नोटिस के विरोध में SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया एवं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर विद्युत विभाग का घेराव एवं तालाबंदी की। इस मौके पर कोई अधिकारी मौजूद न होने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम भी किया। बाद में स्थगित बिजली बिलों की वसूली तत्काल बंद करने की सरकार एवं प्रशासन से पुरजोर मांग उठाई। राहतगढ़ तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर वसीम खान ने कहा, भाजपा सरकार के झूठे वादों से जनता परेशान है। उपचुनाव में वोटों की लालच के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा बिजली बिल माफ किए गए थे। आज आम जनता को धमकी भरे नोटिस भेजे जा रहे हैं, इसका युवक कांग्रेस विरोध करती है। अगर बिजली बिल माफ नहीं किए गए तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, मुन्ना चौधरी, विजय सिंह लोधी, नंद किशोर भारती, राहुल गर्ग, अनिल सोनी, प्रमोद रियाज कुरैसी, रईस कुरैसी, लल्ला राय, गणेश साहू सभी कार्यकर्ता एवं अनेक नगरवासी उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं राहतगढ़ से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैसी की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। ऐसे कई लोगों को 10,000 रुपए के बिल दिए गए हैं। इसका हम लोग युवक कांग्रेस एवं समस्त कांग्रेस परिवार खुलकर विरोध करते हैं एवं कल जानकारी प्रशासन को दी गई थी कि हम लोग विद्युत मंडल का घेराव करेंगे आम जनता के साथ, लेकिन अभी तक तहसीलदार महोदय या SDM महोदय कोई परेशान नहीं है। मान्यता के आधार पर बिजली बिल माफ किए जाना आवश्यक है। गरीब जनता के बिजली बिल माफ हो इस ओर दिए गए बकाया नोटिस को तत्काल निरस्त कराया जाए व बिजली बिल माफ हो इस ओर अग्रिम कार्रवाई की जाए। अन्यथा आदरणीय हमारे राहतगढ़ के सम्मान जी का यह महोदय जी आए हैं, क्योंकि हमने आकर वहाँ दे दिया था SDM महोदय जी को अवगत कराया था एक दिन पहले। कल हमारी हमने ज्ञापन को यहाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेलो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा जब तक शिवराज जी सुना है बिजली के बिल माफ नहीं करते थे। इसी प्रकार हमारा निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि शिवराज जी ने किसानों के साथ, गरीब मजदूरों के साथ, गरीब जनता के साथ छल किया।